बच्चों कैसे हो? सब बढ़िया। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर टू का एक्सरसाइज 2.2 की, जहां पर हम पहुंचे थे। आई थिंक हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया था जहां पर हमको वेरीफाई करना था रिलेशनशिप, राइट। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकेंड क्वेश्चन। तो सभी लोग फटाफट अपनी नोटबुक एंड पेन निकाल लीजिए और मेरे साथ सम्स करना स्टार्ट कीजिए, और जो भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं साथ में नोट करते जाइएगा। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट। सी, अब तो चैप्टर एक्सरसाइज 2.2 के अंदर जो सेकंड क्वेश्चन है ये ऐसा है, सभी के पास टेक्स्ट बुक होगी, फटाफट ओपन कर लो। तो फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन। अगर आप एक्सरसाइज 2.2 के अंदर सेकंड क्वेश्चन देखोगे तो सेकंड क्वेश्चन के अंदर बोला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करो। फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जहां पर आपको गिवन नंबर है। देखो, आप हर एक क्वेश्चन में देखोगे वहां पर तो आपको नंबर्स गिवन है एज सम एंड प्रोडक्ट। क्वेश्चन को समझना अच्छे से। ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली, ऐसा क्वेश्चन आपको दिया गया है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको बनाना है, दिया नहीं है। दिया क्या है? तो फिर सम दिया है और प्रोडक्ट दी है। किसकी? जीरोस की। अब सबसे पहला क्वेश्चन कुछ ऐसा लिखा हुआ है, जरा देखो, 1/4 एंड -1। क्वेश्चन को समझना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज नॉट गिवन, यू हैव टू फाइंड दैट। एंड व्हाट इज, आपको दिया क्या है? व्हाट इज गिवन? सम दिया है एंड प्रोडक्ट दी है। किसकी? जीरोस की। याद करो, याद करो, याद करो, पहले एक्सरसाइज में हमने कुछ ऐसा किया था। सम ऑफ जीरोस मतलब क्या था? अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या था? अल्फा इंटू बीटा। आई होप सबको याद आ रहा होगा। अगर नहीं याद आ रहा है तो आप पहला जो वीडियो था हमारा वो देखोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको फाइंड करना है, आपको दिया है सम और आपको दी है प्रोडक्ट। किसकी? जीरोस की। तो हमने एक जीरो माना था अल्फा, एक जीरो माना था बीटा, तो उसका सम मतलब क्या? अल्फा प्लस बीटा। ये जो वैल्यू है वो आपको दी है अल्फा प्लस बीटा की, क्लियर। और ये जो वैल्यू दी है वो दी है अल्फा इंटू बीटा की, क्लियर है। सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे दिया है। ये जो है वो सम ऑफ जीरो है और ये जो है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरो है। आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है तो फॉर्मूला लिख लो। फॉर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्मूला लिख लो, एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यह है इसका फॉर्मूला। अगर आपको ध्यान रखना, जब भी अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नहीं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं दिया है, सम ऑफ जीरो दे दिया हुआ है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे दिया है, अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से ऊपर से पढ़ोगे तो ये चीज दी हुई है, ठीक है। सम ऑफ जीरो क्या है? 1/4। देखना भाई, ये जो है वो सम ऑफ जीरोज है। कितना है? अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है तुमको? 1/4। तो अल्फा प्लस बीटा के बदले में आप क्या पुट कर लो? सिंपली 1/4। मल्टीप्लीकेशन में यहां पर आपको क्या है? एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है? माइनस। बोलो, ये टर्म समझ में आया? आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब पूछा जाए तब आपको ये फॉर्मूला लगाना है। ये आपको फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी तुमको दे दी है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी आपको दी है। ये फॉर्मूला है, वैल्यू सिर्फ हमने पुट कर दी। अल्फा प्लस बीटा के बदले में 1/4, अल्फा इंटू बीटा के बदले में -1। आगे क्या होगा? एक्स इंटू 1, एक्स नीचे क्या है? 4, प्लस माइनस माइनस अपॉन 1, ठीक है। अब देखो, यहां इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख ले, इसके नीचे भी 1। अब जब आपको सब्ट्रैक्शन करना हो तो डिनोमिनेटर तो सेम होने चाहिए ना,
सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे, वह फोर वन और वन का एलसीएम कितना आएगा, फोर। तो यहां फोर लाने के लिए आप कितने से मल्टीप्लाई करोगे, फोर से, तो एलसीएम फोर हो जाएगा। तो यहां अगर आपने फोर से मल्टीप्लाई किया है तो आपको ऊपर भी करना पड़ेगा। आई होप कि ये सब चीजें तो आपको आती ही होगी, ठीक है। फोर इंटू एक्स स्क्वायर, फोर एक्स स्क्वायर अपॉन फोर माइनस एक्स अपॉन फोर, फोर वन जा फोर अपॉन फोर, ठीक है। तो ये टर्म क्या बन जाएगा, फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस फोर अपॉन फोर। अब हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म अगर पता हो तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम, जीरो। तो यहां पर अगर मैंने जीरो लिख लिया, फोर इस तरफ चला गया तो फोर जीरो से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फाइनली आंसर जीरो हो जाएगा, फोर जीरो का। तो बचा क्या, फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस फोर, दिस इज योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो दिया नहीं था बट हमने फाइंड किया। क्वेश्चन मेरे ख्याल से सबको समझ में आया होगा, उसको क्या करना है वो भी समझ में आया होगा। वापस एक बार वही क्वेश्चन समझा रहा हूं क्योंकि इसी के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं इस क्वेश्चन में नंबर टू में आपको करने रहेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला फाइंड करना है, दिया नहीं है, दिया क्या था सम, जो पहला आंसर है ये वन बाय फोर नंबर जो है वो सम दिया हुआ है, और प्रोडक्ट जो है ये जो सेकंड नंबर है माइनस वन ये आपको क्या दे दी है, जीरोस की प्रोडक्ट यहां पर लिखा है क्लियरली, उसके जीरो का सम है प्रोडक्ट रिस्पेक्टिवली। तो पहला वाला जो है वो उसका सम है और दूसरा वाला जो है वो जीरोस की प्रोडक्ट है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर ये लिख लिया, अल्फा इंटू बीटा बराबर ये लिख लिया। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला ये पता याद रखना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर दी, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पुट कर दी, जो भी आया उसको एलसीएम सेम करके हमने आंसर निकाला। फोर यहां था, जीरो के साथ मल्टीप्लाई में ले गए, जीरो ही हो जाएगा, ये मैंने एक्सप्लेन करने के लिए लिखा है। अगर आपको समझ में आता है तो सीधा आप ये आंसर यहां पर लिख सकते हो, ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आई होप समझ में आएगा, फटाफट ही नोट कर लो। ओके, तो अगर फर्स्ट सम हो गया है तो देखो बाकी के सभी सम्स वैसे ही हैं, लेकिन थोड़े से जो मुझे लग रहे ऐसे सम्स मैं करवा दे रहा हूं। देखो फोर्थ नंबर का तो बहुत इजी आप कर लोगे, वन वन दिया हुआ है तो अल्फा प्लस बीटा भी आपको वन ले लेना है, अल्फा इंटू बीटा भी आपको क्या ले लेना है वन, बहुत ईजी हो जाएगा। चलो सेकेंड नंबर का सम मैं करवा देता हूं, क्या दिया हुआ है रूट टू एंड वन बाय थ्री, और एक वीक वीक में ले लेता हूं नंबर फाइव का, बाकी के जितने भी मैं नहीं करवा रहा हूं आप अपने आप से कर सकते हो, इसमें बहुत कुछ है नहीं इतना टफ कि जो ना समझ में आए। तो देखो ये जो पहला है ये क्या होगा अपना अल्फा प्लस बीटा, और ये जो है वो क्या होगा हमारा अल्फा इंटू बीटा, क्लियर है। अब मैंने बोला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो फॉर्मूला है फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप पूरा लिखना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यह है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला जब आपको सम और प्रोडक्ट दे दी है, ठीक है। तो ध्यान दो एक्स स्क्वायर माइनस, चलो अल्फा प्लस बीटा कौन है बेटा रूट टू, तो रूट टू साथ में कौन है एक्स, अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है वन बाय थ्री, ओके। यहाँ प्लस की साइन है, इसके नीचे कुछ नहीं है, सब्ट्रैक्शन की साइन है, यहाँ कुछ नहीं है, एलसीएम निकाल लो, एलसीएम हो जाएगा थ्री वन वन का थ्री, तो यहाँ थ्री से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर भी कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगा थ्री से, यहां पर भी थ्री नहीं है तो यहां अगर आप थ्री से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर क्या हो जाएगा थ्री, तो बना क्या थ्री इंटू एक्स स्क्वेयर, थ्री एक्स स्क्वेयर माइनस थ्री रूट टू एक्स प्लस वन अपॉन थ्री, जैसे कि मैंने बोला थ्री यहां चला जाएगा तो आपका आंसर हो गया थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री रूट टू एक्स प्लस वन, ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो आपको फाइंड करना था। आई होप समझ में आ रहा है ये सब चीजें, ठीक है। तो उसके बाद और एक नंबर है माइनस वन, और एक आपको दिया हुआ है माइनस वन अपॉन फोर, माइनस वन अपॉन फोर इसको ले लेना है आपको अल्फा प्लस बीटा, और इसको ले लेना है आपको अल्फा इंटू
बीटा, क्लियर है। फाइव फॉर्मूला और कुछ चेंज नहीं है। फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्मूला क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है ध्यान रखना, ये माइनस साइन अलग है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी आपको माइनस में दी है तो वो माइनस बाय फोर आप अंदर रखोगे, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी दी है वन बाय फोर। आई होप समझ में आ रहा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वन बाय फोर एक्स प्लस वन बाय फोर। सी हियर दो जगह पे फोर फोर दिया हुआ है, प्लस की साइन है, यहां पर नीचे वन कर दो, फोर फोर और वन का एलसीएम फोर ही हो जाएगा, तो यहां फोर से मल्टीप्लाई तो ऊपर भी फोर से। बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं, अरे आ रहा है कि जा रहा है, ठीक है चलो मुझे लग रहा है थोड़ा थोड़ा आ रहा है, थोड़ी टेढ़ी लाइन चली जा रही है समझ लेना। फोर को जीरो से मल्टीप्लाई कर लोगे ये जीरो हो जाएगा, तो आपका आंसर बन गया फोर एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स प्लस वन। दिस इज योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चैप्टर एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड क्वेश्चन, ये तीन सम मैंने करवाए हैं, बाकी के सम सबको करने हैं, ट्राई करना, यही है कुछ इतना टफ जैसा इसमें तो नहीं है। चलो फटाफट स्टार्ट कर दो।